हमारे इंडस्ट्री सेल के प्रधान जो हैं श्याम लंगर जी, विनय गुप्ता जी हमारे जिला के प्रधान हैं, लक्की जी हमारे मंडल प्रधान हैं और कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पहले क्या होता था, ये सारा पैसा पंचायतों का MLAs और मंत्रियों के पास जाता था और वो ग्राउंड पर लगता नहीं था। आज हमारे जितने भी चुने हुए BDC DDC और हमारे पंच सरपंच हैं, वो जी जान से मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर के लिए अपने खजाने खोल रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर रोज प्रधानमंत्री की किसी न किसी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में रहते हैं। मेंबर पार्लियामेंट जो किशोर शर्मा जी हमारे साथ हैं, सब्जी मंडी में यहाँ पहुंचे थे, आज इनका यहाँ दौरा था। यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं उनसे इनकी वार्ता जो है वो रही है। ई श्रमिक कार्ड जो बनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी इन्होंने जो यहाँ पर घोषणा की है, जिन लोगों के नहीं बने हैं उनके लिए स्पेशल कैंप यहाँ पर लगाया जाएगा। वो लोग स्पेशल एक दिन जो है वो एक चुनेंगे, उसके तहत यहाँ पर उनके लिए जो है वो सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। कुछ मुद्दों पर बातचीत भी कर लेते हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है बाहू एक्सप्रेस पर। बहुत अच्छा, आपका भी बहुत स्वागत। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री 24 तारीख को पहुंच रहे हैं पंचायती राज डे पर, किस तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की हैं? और क्योंकि लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार दौरे एकाएक गृह मंत्री के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जम्मू पहुंचे थे, तो लगता है कि इलेक्शंस का दौर जो है वो पास है, और किस तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की? ऐसा देखिए, पहले तो मैं इस समय हम जहाँ जो बैठे हैं उसकी बात करूंगा कि आज ई श्रम कार्ड को लेकर हम सब्जी मंडी में हैं, जम्मू सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है हमारे इंडस्ट्री सेल के प्रधान जो हैं श्याम लंगर जी, विनय गुप्ता जी हमारे जिला के प्रधान हैं, लक्की जी हमारे मंडल प्रधान हैं और कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मन्याल जो पूर्व मंत्री हैं हेल्थ मिनिस्टर, ये हमारे साथ आए हैं। बहुत ऐसा एक कार्यक्रम जो है वो सब्जी मंडी में हुआ है, और आज के कार्यक्रम का मकसद एक ही था कि भाई ये जो लेबर वर्ग हमारे भाई हैं सबके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए ताकि उसकी सुविधाएं जो हैं वो हर एक को मिले। एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर रोज प्रधानमंत्री की किसी न किसी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में रहते हैं, तो आज सब्जी मंडी वालों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जहाँ पर करवाया है, इसके लिए इनका धन्यवाद। बाकी रही आपकी जो आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी का 24 तारीख को जम्मू में दौरा, 24 तारीख जो है 24 अप्रैल जो है वो पंचायती डे है। पंचायत किसी ना किसी पंचायत में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं ग्राम सभा करूं, पंचायत से चुने हुए लोगों को मिलूं, उनकी समस्याएं सुनूं, उनका समाधान करूं, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में वो आ रहे हैं। हमारा एक गांव है पल्ली, जिसे हमने सांसद आदर्श गाँव के नाते भी गोद लिया है, और सांसद आदर्श गांव बने ये भी नरेंद्र भाई मोदी जी की ही प्रेरणा थी। तो 24 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी वहां आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के PRIs जो हमारे पंचायत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो पंचायत के सरपंच हैं, पंच हैं, BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, चेयरमैन हैं, हम सब नरेंद्र भाई मोदी जी के आभारी हैं और आभार प्रकट करते हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायतों को अधिकार भी मिले, और ये जो 3-tier सिस्टम है ये यहाँ पर लागू हुआ, यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए उनको अधिकार मिले, और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए उनको अधिकार मिले। अब जितनी भी डेवलपमेंट जो होती है ना वो पंच सरपंच, BDC DDC और इनके मेंबरों द्वारा ही होती है, ये एक अच्छी बात है। पहले क्या होता था, ये सारा पैसा पंचायतों का MLAs और मंत्रियों के पास जाता था और वो ग्राउंड पर लगता नहीं था। आज हमारे जितने भी चुने हुए BDC DDC और हमारे पंच सरपंच हैं, वो जी जान से मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। यही चर्चा के लिए जो है वो नरेंद्र भाई 24 अप्रैल को पल्ली गांव में आएंगे, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही पंच सरपंच और बाकी लोगों से ही रूबरू नहीं होंगे, देश की पंचायतों के साथ जुड़ेंगे और देश के जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे चर्चा करेंगे, ग्राम सभा करेंगे, और पंचायतों के द्वारा
क्षेत्र का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो आगे बढ़े, उस पर चर्चा होगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना और फिर जम्मू कश्मीर में पल्ली गांव जो है वो इसमें आए। आज तक प्रधानमंत्री जी ने जिस भी राज्य का दौरा किया है उसे तमाम सौगातें जो है वो दी गई हैं। जम्मू कश्मीर की जनता टकटकी लगाए इंतजार कर रही है, शायद ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बड़ी सौगात जो है कोई गुड न्यूज जो है जम्मू कश्मीर के वहां को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर के लिए अपने खजाने खोल रखे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, विकास के लिए एक नहीं कई किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो लाए हैं। आज आप चलें जहां पर पल्ली गांव है और पल्ली गांव के साथ ही वहां पर रिंग रोड निकल रही है, कितना अच्छा रोड वो बन रहा है। ये जो नेशनल हाईवे हमने जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ तक जो है उसका काम चल रहा है, जो लोगों को परेशानियां होती थी वो परेशानियां दूर होंगी और जो देर लगती थी वो भी जल्दी काम होंगे, ट्रैफिक होती थी उससे भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आईआईटी हो, आईआईएम हो, या मेडिकल कॉलेज हो, इसके अलावा बड़े बड़े ब्रिज हो, जम्मू स्मार्ट सिटी हो और जम्मू एक अच्छा शहर दिखे, उसके लिए एक नहीं जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो दिए हैं, सब पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो इसलिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। अब वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका अच्छे से वेलकम करें और उनका आभार प्रकट करें। एक वर्ग ऐसा है जिसे अपेक्षाएं काफी जाग गई हैं, क्योंकि आपने जब से बात करी है पार्लियामेंट में, मैं बात कर रहा हूं तमाम डेली वेजर्स की, वो लोग काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा चलिए देर है दुरुस्त है, एमपी साहब ने हमारा नाम लिया, हमारा जिक्र किया, एक बार नहीं दो तीन बार करा, मेंबर पार्लियामेंट है हमारे, हमारे लिए उन्होंने बात कही है। उन्हें अब ये अपेक्षाएं जाग रही है कि शायद हमारी जिस तरीके से चर्चा हो रही है शायद हमारे लिए कोई घोषणा हो सकती है, क्योंकि 12,000 को नियमित करने का जो है वो उत्तरदायित्व ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑर्डर निकाल दिया कि उनको परमानेंट करने जा रहे हैं, नियमित करने जा रहे हैं। क्या लगता है जो बाकी बचे उन्हें भी फेस मैनर किया जाएगा, इलेक्शन से पहले किया जाएगा, बाद में? बतौर सांसद हमने समय समय पर जम्मू कश्मीर की समस्याओं को उजागर किया है और उनका समाधान भी किया है। आज आप देख रहे हैं ना, जो मैंने कहा कि नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अब बहुत बड़ी एक और सुगात हमने लाई है। आज से साल पहले हमने संसद में यह मसला उठाया था कि भाई ये जो कजवानी चौक है, ये जो सतवारी चौक है, ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर आने वाले जाने वाले लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करता पड़ेगा, जाम लग। अब यहाँ बहुत बड़ा एक फ्लाई ओवर बन रहा है और वो फ्लाई ओवर जो है वो बड़ी ब्राह्मणा से ही शुरू हो जाएगा, उससे पीछे शुरू होगा और सीधा वो कंजवानी से होते हुए सतवारी चौक पर आकर उतरेगा और सतवारी से भी एयरपोर्ट की तरफ एक रोड जाएगी। जो एयरपोर्ट जाने जाते हैं वो एयरपोर्ट जाए, जो शहर को जाने जाते हैं शहर जाए और ये जो ट्रैफिक का जमघट लगा रहता था उससे छुटकारा मिलेगा। मैं ये कहना हूँ कि एक नहीं जिस किस्म की भी शिकायत जो डिमांड थी लोगों की उसे हमने पूरा करने का भरपूर प्रयास किया और उसमें हम सफल भी रहे हैं, चाहे वो वाटर की समस्या हो। अब जिस विषय के लेकर आपने बात की है बिल्कुल सही है कि हम चाहते हैं कि जो डेली वेजर हैं, नीड बेसिस हैं, एडहॉक बेसिस हैं और जितने भी लोग जो अस्थाई रूप से विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं इन्हें स्थायी किया जाए, इन्हें नियमित किया जाए और अगर कोई जल्दी नियमित ना भी किया जाए लेकिन मिनिमम वेज एक्ट के तहत इन्हें लाया जाए ताकि इन्हें जो इनका हक बनता है वो इनको मिले, जिसके लिए हमारे जहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने एक कदम आगे बढ़कर 12,000 कर्मचारियों को नियमित करने की बात की है, उन्होंने शुभारंभ किया है इसका, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता था उसे हमने निभाया है और प्रयास किया है कि भाई केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर सरकार को आर्थिक मदद करे ताकि ये सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो ठीक ढंग से कर सके और सही मैंने ड्यूटी दी है, धरने प्रदर्शन एजिटेशन घेराव ये सिलसिला जो है वो बंद हो। लेकिन मुझे अभी थोड़े दिनों पहले पता चला कि केंद्र सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता के साथ लिया है, वो इस ओर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भी केंद्र सरकार हो चाहे अपनी जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन हो कहना चाहता हूँ कि यही वो लोग हैं जो ग्राउंड पर रहकर काम कर रहे हैं और विभिन्न विभागों में हैं, इनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इनको नियमित करना चाहिए।
आखिरी सवाल पूछूंगा, इलेक्शन से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ रैलीज हो रही है और ज्वाइनिंग्स भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताबड़तोड़ हो रही है, बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, एक और पार्टी थोड़ी सी चर्चाओं में इस समय चल रही है, आम आदमी पार्टी। मैं इस वजह से ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बिजली और पानी फ्री फ्री फ्री, ये फ्री 20 का जब से ट्रेंड चला है, दिल्ली से चला था, पंजाब में आया, पंजाब में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया, वहां पर आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल करी। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस और बाकी पार्टियों का झगड़े की वजह से आम आदमी पार्टी जीत गई, वो अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे क्योंकि हमें दिल्ली में दी, हम यहाँ भी देंगे। क्या लगता है लोग किस पर विश्वास करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम ही देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने इतना कुछ फ्री में दिया है तो हम ही देंगे, उस तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने दिल्ली में दिया था तो हम ही देंगे, किस पर विश्वास करेंगे, क्या लगता है कि वो 90 के 90 सीटें जीत पाएंगे? देखिए ये तो आप अब जाकर दिल्ली वालों से पूछिए कि उनको क्या मिल रहा है, और थोड़ी देर के बाद पंजाब वाले बोलना शुरू करेंगे, और कल एक महीना हुआ है पंजाब गवर्नमेंट को बने हुए, तो मैं सुन रहा था पंजाब के लीडर्स को और पंजाब के आम नागरिकों को कल टेलीविजन में, वो बता रहे थे कि ये सरकार किस ओर आगे बढ़ रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये कोई पानी का बुलबुला नहीं है कि भाई आया और चला गया। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और आपने ही कहा और लोग देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक बड़ी हस्ती, बड़ा कार्यकर्ता जिसका लोगों में आधार है, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है और आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है। रोजमर्रा आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में या विभिन्न स्थानों में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। केजरीवाल सुनामी चलेगी कि नरेंद्र भाई मोदी, उन लीडर्स की, यो लीडर्स अपना कुछ एक पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग हुई है। अब मैं माइक पर तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है वो आप उनसे पूछिएगा, वो उनसे पूछिएगा। हम सबको टिकट तो हम देते दे नहीं सकते, टिकट तो हम किसी एक को ही देंगे एक विधानसभा में, इसलिए आप समझ आइए कि ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं और उसने क्या करना है, कहीं कुछ नहीं है। लोग समझदार हैं, नरेंद्र भाई मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किए हैं, आगे भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वही कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, लोगों की पार्टी है, वही समस्याओं का समाधान करेगी, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जी गवर्नमेंट बनेगी जब भी इलेक्शन होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने, बहुत अच्छा धन्यवाद। हमारे साथ जी किशोर शर्मा जी से बातचीत करी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि साफ तौर पर इनका यही कहना है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। डेली वेजर्स के लिए पूछा है सवाल, और डेली वेजर्स के लिए कहा है कि हम चाहते हैं कि उन्हें नियमित जो है वो जुड़ किया जाए। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के बन रही बाहु एक्सप्रेस पर, उधर के साथ शो मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।